तो दोस्तों इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि अब भारत के मेक इन इंडिया मिशन ने एक और बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जहां पर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पहले कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को लॉन्च कर दिया है। इसकी टेस्टिंग पिछले कई सालों से चल रही है और फाइनली भारत ने इसमें भी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जहां पर इस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं और फाइनली भारत ने इस काम को स्वदेशीकरण तरीके से तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें, सबसे पहले इसका इस्तेमाल भारतीय रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा, उसके बाद इस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस का इस्तेमाल भारत के अलग अलग सेक्टर्स में किया जाना है। तो दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट से ये इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, जहां पर इसरो और ह्यूजन जो कि अमेरिका की कंपनी है, जहां पर दोनों संस्थाओं ने आपस में मिलकर के भारत में इस नए सैटेलाइट सर्विस को लॉन्च किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि देश का अपनी तरह का पहला HTS यानी कि हाई थ्रू आउटपुट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू की गई है। पिछले साल उत्तर भारत में इसका परीक्षण किया जा रहा था और इसकी कई बड़े बड़े परीक्षण उत्तर भारत में किए गए हैं और फाइनली एक साल बाद इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है। आपको बता दें, सबसे पहले इसे पूर्वोत्तर के लेह और लद्दाख में जो भी जुड़े बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए इसरो के GSAT 11 और GSAT 29 सैटेलाइट्स के क्यू बैंड क्षमता का इस्तेमाल करते हुए पूरे भारत में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए चालू किया जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि इसे सबसे पहले रक्षा बलों में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, अब वहां पर चाइना का 5G नेटवर्क कैप्चर होना शुरू हो चुका है, इसलिए अपनी इन इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि हमारे बॉर्डर एरियाज और ज्यादा सिक्योर किए जा सके। भारत की सुरक्षा के साथ साथ भारत को डिजिटल परिवर्तन लाने में भी ये एक बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जिस सर्विस को लॉन्च किया गया है, इसकी स्टार्टिंग कैपेसिटी है 1 GBPS, इसे थोड़े दिनों में एक्सटेंड करके 10 GBPS किया जाएगा और इन फ्यूचर इसे 100 GBPS तक बढ़ा दिया जाएगा। ओवरऑल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसरो ने एक और बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। भारत को स्वदेशीकरण तरीके से सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और स्पेशली इन्हें बॉर्डर एरियाज में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हमारी सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो सके। इसरो की इस बड़ी सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।